everyone. I will teach you subject Hindi. We will start lesson 20. Bandar ka chashma. तो ये क्या था इस लेसन में बेटा? मैं एक बार आपको रीड करा देती हूँ. ओपन योर बुक पेज नंबर 37. बंदर का चश्मा. ये हमारा हो चुका है लेसन. एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस लेसन में क्या है. एक बंदर था जो डेली देखता था कि वहां पर पार्क में जो बगीचा था उसमें बहुत सारे लोग आते थे. वो घूमने आते थे, बैठते थे और चश्मा लगाते थे और किताब पढ़ते थे और अखबार पढ़ते थे. उसने सोचा क्यों ना मैं भी अखबार पढ़ूं. वो शहर गया, वहां से चश्मे लेने चला गया. वहां गया तो उसने दुकानदार से पूछा चश्मा दिखा दो, तो उन्होंने दिखा दिया. वो बुक उल्टी करके बैठ गया और बुक पढ़ने लगा. दुकानदार ने पूछा क्या आपको पढ़ना आता है? उसने कहा नहीं. तो उसने ये कहा दुकानदार ने कि कभी चश्मा लगाकर पढ़ना नहीं आता. जब तक आप पढ़े लिखो नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी. जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, चाहे आप कोई भी चश्मा लगा दो, वो आपके लिए बेकार है. ठीक है बेटा? तो इसलिए उसने क्या कहा कि साफ साफ तो दिखाई देने लगता है चश्मे में. जिसकी आई साइड भी, जिसकी नज़र कमज़ोर होगी उसे साफ साफ दिखाई देने लग जाता है चश्मे में. मगर जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप क्या पढ़ोगे, क्या दिखेगा? उल्टा है, सीधा है कि कैसा है? तो ये इस लेसन में थी. हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज है बेटा, बूढ़े लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है. यदि जानवर भी पढ़ जाते तो क्या होते? वो भी आज पढ़े लिखे. जब बंदर चला गया तो दुकानदार क्या सोच रहा होगा कि इसे पढ़ना तो आता नहीं और ये चश्मा लेने आया है. क्या तुम उल्टी किताब आसानी से पढ़ सकते हो? नहीं. क्या चश्मा लगाकर हर कोई पढ़ सकता है? नहीं. अब हमारी एक्सरसाइज में है, क्या भूले क्या याद? बंदर बहुत शरारती था, सही या गलत? बंदर शरारती था, तो हम सही पे टिक करेंगे. बंदर किताबें पढ़ना चाहता था, सही या गलत? सही. बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा, सही या गलत? सही. दुकानदार के सारे चश्मे बेकार थे, गलत? सही थे उसके चश्मे. चश्मा लगाकर बंदर किताबें पढ़ना सीख गया, गलत? अब हमारा है पेज नंबर 41, भाषा की समझ. कच्चे का उल्टा होता है पक्का, ऐसे ही हमने उल्टे अर्थ लिखने हैं. फर्स्ट है हमारा सुबह, सुबह का होता है शाम. पास का होता है दूर, बूढ़ा का होता है जवान. मेरा का होता है तेरा, अच्छा का होता है बुरा. एक का होता है अनेक. उसके नीचे दिया गया है दिए गए उदाहरण वाक्य जैसे ही वाक्य बनाइए. खरीदारी करने एक दुकान से पर जाना पड़ता है, दूसरी दुकान पर. हमने लिखना है दूसरी दुकान. दूर जाने के लिए एक बस से डैश पर जाना पड़ता है, दूसरी बस. छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी
जिसे डैश पर चढ़ना पड़ता है, दूसरी सीढ़ी। यह हमारी एक्सरसाइज भी होगी और लेसन क्या था ये भी हमें पता चल गया, मौखिक प्रश्न उत्तर भी। तो अब हम करते हैं कठिन शब्द और शब्द। तो हमारे हैं कठिन शब्द, फर्स्ट है हमारा बगीचा, फिर हमारा शरारती, हंसी, बंदर, शोरगुल, पहुंचा, दुकानदार, कोशिश, आपने लेसन तो राइट डाउन कर रखा है तो आप इसको क्या करोगे कठिन शब्द? आप इसको ध्यान से देखकर कि ये कैसे लिखा हुआ है आपने रिवीजन करनी है अपनी रफ कॉपी में। आप अपनी रफ कॉपी में रिवीजन करना बगीचा, शरारती, हंसी, बंदर, शोरगुल, कच्चे, पहुंचा, दुकानदार, कोशिश। ये देखना आपकी कैसे लिखा हुआ है, कौन सी मात्रा कहाँ आती है, तो फिर आप रिवीजन कॉपी में अपनी कॉपी में रिवीजन करना। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। ये भी हमने लर्न करना है। पहला है हमारा बगीचा, क्या होता है बगीचा? जहां पेड़ पौधे व फुलवारी लगी हो, जहां पेड़ क्या है बेटा? बगीचा क्या होता है? जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों और फूलों की फुलवारी लगी हो उसे हम कहते हैं बगीचा। जहां पेड़ पौधे व फुलवारी हो, फुलवारी लगी हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बगीचा। सेकंड है हमारा शब्द अर्थ शरारती, शरारती हम दो लिख सकते हैं, नटखट भी लिख सकते हैं।
सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी के लगे वही आप कर सकते हैं। चलिए इसके अर्थ तो दो हैं, आप कोई भी एक लर्न कर सकते हैं। हमारा क्या है? शरारती, नटखट, चंचल, दोनों में से आप एक अर्थ ले सकते हैं। शहर, नगर, ठीक है बेटा। एक बार मैं आपको दोबारा से लर्न करा देती हूँ। हमारा फर्स्ट है बगीचा, जहाँ पेड़ पौधे व फुलवारी लगी हो, जहाँ पेड़ पौधे व फुलवारी लगी हो। शरारती हम नटखट भी लिख सकते हैं और चंचल भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख लो, एक जो आपको इजी लगता है वो आप लिख सकते हैं। शरारती, नटखट या चंचल, शहर, नगर, शहर का क्या होता है? नगर। ये शब्द अर्थ भी लर्न करने हैं हमने। फिर हमारे आते हैं प्रश्न उत्तर। बगीचे में सुबह शाम कौन आते थे? बगीचे में सुबह शाम बगीचे में सुबह शाम कौन आते थे? लोग घूमने आते थे। सेकंड प्रश्न हमारा, बगीचे में कौन सा जानवर रहता था? बगीचे में कौन सा जानवर रहता था? रहता था बंदर, रहता बंदर है। बंदर चश्मा लेने आ गया। बंदर चश्मा लेने कहाँ गया? कहाँ गया था चश्मा लेने? शहर। शहर गया।
बंदर ने दुकानदार के चश्मों को कैसे बताया? बंदर ने दुकानदार के चश्मों को कैसा तुम्हारे तो सारे चश्मे बेकार हैं, कोई मेरे काम का नहीं है। आपके सारे चश्मे मेरे काम का नहीं है। दुकानदार ने अंत में बंदर को क्या सलाह दी? दुकानदार बंदर को क्या सलाह दी? पहले आप पढ़ना लिखना सीख लो, पहले लर्न करो मेरे साथ। बगीचे में सुबह शाम कौन आते थे? लोग घूमने आते थे। बगीचे में कौन सा जानवर रहता था? बंदर रहता था। बंदर चश्मा लेने कहाँ गया? शहर गया था। बंदर ने दुकानदार के चश्मों को कैसे बताया? आपके सारे चश्मे बेकार हैं, कोई मेरे काम का नहीं है। दुकानदार ने बंदर को क्या सलाह दी? पहले आप पढ़ना लिखना सीख लो। अब मैं आपको, ये तो हमारे प्रश्न उत्तर थे जो लर्न करने थे, अब मैं आपको असाइनमेंट भी बता देती हूँ इसका। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, बंदर कैसा था? बंदर कैसा था? कैसा था बंदर? शरारती। कैसा था बंदर? शरारती। बंदर कैसे फल खाता था? बंदर कैसे
कंप्लीट योर वर्क।